नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब आप अधिक लौंद मल पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। उसका नाम क्या है तथा व्रत की विधि क्या है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसके व्रत के करने से क्या फल मिलता है। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, अधिक मास की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है। उसका नाम पद्मिनी एकादशी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके फल एवं गुणों को ध्यान पूर्वक सुनो। दशमी के दिन व्रत शुरू करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पुण्य क्षेत्र में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ तथा सुंदर वस्त्र धारण करके घर में तथा मंदिर में जाकर भगवान हरि विष्णु की धूप दीप नवेद पुष्प केसर आदि से पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नित्य गान आदि करना चाहिए। इसके उपरांत भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, पार्थ, अब ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। यह सुंदर कथा पुलस्त्य ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तिक वीर ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया। उसे मुनि पुलस्त्य जी ने कार्तिक वीर से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया, कार्तिक वीर ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त्य जी बोले, हे नारद जी, पहले कीर्तिवीर नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 स्त्रियां थीं, उसमें से किसी को भी राज्य भार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलवाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री भी वस्त्रालंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ वन को चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई थी। यह देखकर प्रमदा ने अनसुया से पूछा, मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो, इसका क्या कारण है। इस पर अनसुया बोली कि अधिक मास में, जो कि 36 महीने बाद आता है, उसमें 2 एकादशियां होती है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके व्रत और जागरण से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनसुया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने कहा, आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे, मल मास मुझे बहुत प्रिय है। उसमें भी एकादशियाँ तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा बोले, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। उसके बाद ये दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ कीर्तिवीर उत्पन्न हुए थे। वे भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलस्त्य जी वहां से चले गए। अंत में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, यह मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।